हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस चैनल पर मैं बनाती हूँ ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड पॉडकास्ट्स। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो गाइस, ये पॉडकास्ट डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड होता है, लेकिन अगर नॉर्मल भी सोल्स हो, वो अपने सोल की ग्रोथ करना चाहते हो या किसी वे में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, फाइनेंशियली या फिर कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हो, तो फिर भी आप ये चैनल जो है फॉलो कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में मैं चीज़ भी बताऊंगी, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बट नॉर्मल लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम आज का ये पॉडकास्ट जो है स्टार्ट करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्विन फ्लेम की करंट एनर्जी क्या है, ट्विन फ्लेम्स को कैसे ड्रीम्स आ रहे हैं, चैनल सॉन्ग क्या है ट्विन फ्लेम के लिए, और DM की एनर्जी क्या है। और उसके साथ ही साथ मैं ये डिस्कस करूँगी कि मुझे क्या, मतलब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिला है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँगी DM की एनर्जी की। तो कल परसों से ऐसे लग रहा है DM की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आ रही है। वो जो है किसी न किसी वजह से अपने DF को कॉन्टैक्ट करना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है, उन्हें कॉल करना चाहता है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से लोनलीनेस की फीलिंग आ रही है कि DM इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी अकेले हैं। और डेफिनेटली मैं जो एनर्जीज यहाँ पर बताती हूँ वो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ ही ट्विन फ्लेम्स ऐसे होंगे जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ठीक है गाइस, सो ऐसी एनर्जी आ रही थी कि काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अब वो जो है कनेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, आपकी कॉलिंग पे कुछ टाइम से बात नहीं हुई है, या फिर टेलीपैथी के लिए आप कनेक्टेड नहीं हो, सो डेफिनेटली DM चाहते हैं कि अब वो आए और आपसे बात करे, थोड़ा बहुत कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। तो ये एनर्जी मुझे जो है कल से रिसीव हो रही थी। सो ये टाइप की एनर्जी है, और थोड़ा सा वो डिस्परेट एनर्जी में है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है इस ड्यूरेशन। ओके गाइस, सो ये वाली एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है उनकी, या बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर, ऐसा मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बिल्कुल उनकी लाइफ में जो कोई भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, जो कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं, उसको लेकर वो काफ़ी परेशान है। तो उसे परेशान होकर वो जो है आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहता है और शांत होना चाहता है। ओके, सो ये DM की तरफ से एनर्जी है। DF इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है, अपने इश्यूज़ को, अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करने की पूरी कोशिश कर रही है। डिवाइन का जो भी उन्हें गाइडेंस मिल रहा है उसे भी फॉलो कर रही है, और जितना हो सकता है उनकी तरफ से पॉजिटिव बिहेवियर है, और हर चीज़ को करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे लग सकता है कि आपका इनर वर्क करने का मन नहीं हो वगैरह, तो इस टाइप की भी चीज़ें आपको बीच बीच में फील हो सकती है। लेकिन मेक श्योर कि आप जो है इनर वर्क कंटिन्यू करें। एक आध दिन आप मिस कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको मिस नहीं करना है इनर वर्क करना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और डेफिनेटली अगर आपको बोला गया है कि आपको इस टाइप का कोई वर्क करना है, जैसे कि ट्विन फ्लेम्स को हेल्प करना है, उन्हें अवेयर करना है एनर्जीज़ को लेकर, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर, यानी कि यूट्यूब पे पॉडकास्ट बनाना या वीडियोस बनाना वगैरह, तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें रेगुलरली कीजिए। अगर आप ये रेगुलरली नहीं कर रहे हो, तो फिर वो एनर्जी जो आप रिसीव करते हो यूनिवर्स से, चैनलिंग रिसीव करते हो, उसकी वजह से आपको हैवी फील होने लगता है जब आप शेयर नहीं करते, आपके माइंड में रखते हो। तो मेक श्योर कि वो चीज़ें आप जो है करें रेगुलरली, और वो शेयर करें ताकि आपको अच्छा और भी लाइट फील हो। और डेफिनेटली जो कोई भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ है, वही ऐसी चीज़ें ज़्यादा करती है कि डिवाइन की चैनलिंग्स करना वगैरह वगैरह। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें करें। उसके बाद गाइस, DF की एनर्जी डेफिनेटली नॉर्मल एनर्जी में है, कुछ ज़्यादा मिसिंग, कुछ ज़्यादा हैवी एनर्जी नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर भी उन्हें जो है अचानक से DM की याद आ रही है, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव वे में आ रही है, ऐसा कुछ नेगेटिव उन्हें याद आ रहा है और वो रो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे मोमेंट्स या फिर थोड़ी सी प्लेफुल सी एनर्जी सी इस वक्त फील हो रही है। उसके बाद मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग चैनल हुआ है,
जिससे मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पिन करूँगी, तो उसमें जो है डीएम जो है अपने डीएफ के लिए फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं, उन्हें क्या फील होता है वगैरह। तो ये बहुत ही यू नो रोमांटिक सॉन्ग है, काफ़ी खूबसूरत सॉन्ग है। आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मुझे जो चैनलिंग्स हुई है डिवाइन की तरफ से, तो मैं एवरी मॉर्निंग प्रेयर्स करने से पहले जो है सबको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, जैसे कि गॉड्स हो गए, एंजल्स हो गए, मेरे एंसेस्टर्स हो गए, और जो कोई भी चीज़ है ये सोर्स हो गया, क्रिएटर्स हो गए, तो उन सभी को मैं जो है प्रणाम करती हूँ और उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर अस एंड एवरीथिंग। तो मुझे बार बार कहा जाता था कि तुम्हें पंच तत्वों को भी ग्रैटिट्यूड पे करना है उसी प्रेयर में, तो फिर मैंने ये चीज़ स्टार्ट की। सो डेफिनेटली पंच तत्व भी ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आप ऐसा कोई ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर रहे हो यूनिवर्स को, उन चीज़ों को जो आपके लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर उन चीज़ों के लिए जो आपको इस वक्त सपोर्ट कर रही है, चैनलिंग्स दे रही है, या आपको हेल्प कर रही है आपके जर्नी में, तो आपको डेफिनेटली ये करना चाहिए। इससे उनकी ब्लेसिंग्स जो है आपको मिलेगी। उसके बाद मुझे जो चैनलिंग हुई है, मेरा एक इशू था जो मैं चाहती थी कि अब मैं फेस ना करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इस बात से स्ट्रगल कर रही थी। बट वो ऐसा नहीं था कि मैं मेडिटेशन में बैठूं और वो हील हो जाए, इट इज़ लाइक थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। तो मैंने मेडिटेशंस में पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे बताया गया था कि आपको गणेश भगवान जी की जो है साधना करनी चाहिए, मंत्र साधना करनी चाहिए। तो फिर मैंने वो चीज़ जो है स्टार्ट कर दी। इट इज़ व्रत की तरह ही होता है, लेकिन आप मैं उसमें जो है कोई मंत्र उठाकर यू नो 5,000 मंत्र जाप, 10,000 मंत्र जाप, इस टाइप से वो जो है मंत्र साधना करते हो, और फिर उसका जो है उद्यापन करना होता है। और ये सारी चीज़ें आपको संकल्प लेकर, आपकी विश बोलकर करना होता है, और आप उद्यापन में क्या करोगे वगैरह, तो इस टाइप से वो है। सो डेफिनेटली अगर आप कुछ चाहते हो कि कोई चीज़ आपको मिले, या फिर किसी इशू से आप मेजर स्ट्रगल कर रहे हो और आप चाहते हो आप बाहर आओ, कोई कार्मिक आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि उनका नेचर जो है चेंज हो जाए और वो आपके साथ अच्छा बिहेव करें, तो फिर ऐसे टाइप की चीज़ों के लिए भी आप जो है मंत्र साधना कर सकते हो। डेफिनेटली आपका कोई डिजीज़ वगैरह है जिससे आप और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप हील हो जाओ उस डिज़ीज़ से, तो फिर इसके लिए भी आप जो है ये मंत्र साधना कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको गणेश भगवान जी की कृपा मिलेगी। सो गाइस इस वक्त जो चीज़ें मुझे यूनिवर्स में दिख रही है वो है ड्रैगन फ्लाइज, बहुत ज़्यादा ड्रैगन फ्लाइज दिख रहे हैं। उसके साथ ही साथ बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, लिटरली वो मेरे पास आकर उड़ रहे हैं। सो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स में इस वक्त दिख सकती है। उसके साथ ही साथ आपको शिव शक्ति की इमेजेस या फिर शिव भगवान काफ़ी ज़्यादा दिख सकते हैं इस वक्त। और अगर मैं एंजल नंबर्स की बात करूँ तो मुझे 000, 555, 333, 222, 777, 999, 111, ये वाले एंजल नंबर्स जो है 333, ये वाले एंजल नंबर्स जो है कंटिन्यू दिख रहे हैं यूनिवर्स में। सो गाइस ये एंजल नंबर्स भी आप इस वक्त जो है नोटिस कर सकते हो। सो चलिए गाइस इसी के साथ मैं ये पॉडकास्ट जो है एंड करती हूँ। बाय बाय।